कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र के बरसोत्याबार में बन रहे इलेक्ट्रिक शवदाह के निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर जेएमएम के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि आखिरी मंजिल में भी लूट मची है या इस्तेमाल किए जा रहे सरिया बालू छरी और ईंट निम्न दर्ज के हैं। इसके अलावा पिलर और लिंटर निर्माण में भी लापरवाही बरती गई है। टेढ़ा मेढ़ा लिंटर की ढलाई की गई है जबकि मिट्टी के ऊपर ही पिलर ढाल दिया गया है जो हल्की बारिश में ही अपना रंग दिखा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये प्रस्तावित योजना है और पूरे झारखंड के 16 नगर निकाय में सौदा गृह बनाना था जिसमें एक कोडरमा भी है। यह कोडरमा नगर पंचायत के अंतर्गत जुड़को कंपनी रांची के द्वारा यह बनाया जा रहा है जो देखने पर समथिंग 3 करोड़ का योजना है और उसमें सरिया हो या ईटा हो या बालू हो या सीमेंट हो घोर अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ की जनता शिकायत करने के बाद आज मैं पहुँचा हूँ। यह शिकायत जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगा। भ्रष्टाचार का चरम सीमा यहाँ देखा जा रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं अपने स्तर से कि जो भी यहाँ सामान लगाया जा रहा है सब घटिया है, चाहे वो ईट हो, बालू हो, सीमेंट हो, सरिया हो, जो भी हो वो सब घटिया है। साथ ही साथ जो इसका ढांचा है वो भी सही तरीके से कंस्ट्रक्शन का जो रूप होना चाहिए इस रूप से नहीं बनाया जा रहा है और यहाँ का जो भी इनका स्टाफ है कंपनी का वो कुछ बताने को तैयार नहीं है।